सो हेलो बच्चों, टारगेट बोर्ड क्लास टेंथ की हमारी जो सीरीज है टर्म टू एग्जाम के लिए, उसमें हम लोग टर्म टू का सिलेबस शुरू कर चुके थे और हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे। क्लास टेंथ का टर्म टू का पहला टॉपिक, और इस टॉपिक में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे। और अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन को डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो उसी को थोड़ा सा रिकॉल करते हुए आगे बढ़ेंगे कि बाइनरी फिजन क्या होता है और मल्टीपल फिजन क्या होता है। बाइनरी फिजन में हमने देखा कि एक मदर सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड करती है, और मल्टीपल फिजन में हमने देखा कि एक मदर सेल दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड करती है। डिफरेंस दोनों में ये हो जाता है कि बाइनरी फिजन एक स्लो ग्रोथ का प्रोसेस है, और वहीं मल्टीपल फिजन जो है रैपिड इंक्रीज करने के लिए, अपनी पॉपुलेशन को रैपिड इंक्रीज करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। हमने ये भी देखा कि बाइनरी फिजन जनरली हमें फेवरेबल कंडीशंस में होने वाले डिवीजन के फॉर्म में दिखता है, और मल्टीपल फिजन हमें अनफेवरेबल कंडीशन में होने वाले डिवीजन के फॉर्म में दिखाई देता है। आगे अपनी इस टारगेट बोर्ड सीरीज में टर्म टू के लिए हम लोग जो लेके चल रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप और आपके फ्रेंड्स भी इसको एंजॉय कर रहे हैं, और ऐसे ही एंजॉयमेंट अपना बना रहेगा पूरी टर्म टू यानी टारगेट बोर्ड की जो हमारी सीरीज है। आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग अपने आगे के टॉपिक्स को लेकर, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आगे का टॉपिक जिसे हम कह रहे हैं थर्ड पॉइंट आ जाता है, थर्ड मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम कह रहे हैं फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन क्या होता है बच्चों? छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक करना, समझो ऐसा। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को नॉर्मली, नेचुरल तरीके से, ध्यान से सुनना, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को नॉर्मली नेचुरल तरीके से छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करता है और हर एक पीस डेवलप होके नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, तो इस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? इफ एनी ऑर्गेनिज्म ब्रेक इट्स बॉडी naturally का मतलब मैं naturally वर्ड क्यों थोड़ा सा प्रेशराइज कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, यहां कोई ट्रॉमा नहीं हुआ है, ठीक है, कोई दुर्घटना नहीं घटी है, नेचुरल ये जो है ब्रेकडाउन हुआ है। इफ एनी ऑर्गेनिज्म ब्रेक इट्स बॉडी नेचुरली इंटू स्मॉलर पीसेस एंड each piece develop into a new organism, ठीक है। यहां पर मैंने बोला कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, नेचुरली इन्होंने अपनी बॉडी को ब्रेक किया है, तो उन पीसेस को फ्रेगमेंट्स कहते हैं, और इन फ्रैगमेंट से नए ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट है उसे फ्रैगमेंटेशन कहा जाता है। सो दीज पीसेस आर टर्म्ड एज फ्रैगमेंट्स, और ये हमें देखने को मिलता है किसमें? स्पाइरोगायरा, ठीक है। ये ग्रीन एल्गी है स्पाइरोगायरा, जिसमें हमें फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ, जो है बडिंग। बडिंग को एक्सप्लेन करने के लिए बडिंग में बच्चों एग्जैक्टली क्या होता है हम देखेंगे, इस डायग्राम को इस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ इसमें? पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी में ही एक आउटग्रोथ डेवलप होती है,
ये आउटग्रो ग्रोथ आगे चल के बड कहलाती है और धीरे धीरे एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है। देखने को मिल रहा है किसमें? हाइड्रा। किसमें देखने को मिल रहा है? हाइड्रा में। हालांकि अकेले हाइड्रा इसका एग्जाम्पल नहीं है। यहां पर क्या होता है, पेरेंट बॉडी में एक आउटग्रोथ डेवलप होती है ऑन द एंड दैट आउटग्रोथ डेवलप्स एज ए न्यू ऑर्गेनिज्म एंड द प्रोसेस इज नोन एज बडिंग। सो हाउ वी विल डिफाइन अ प्रोसेस इन विच, अ प्रोसेस इन विच एन आउटग्रोथ डेवलप ऑन पेरेंट्स बॉडी विच आफ्टर सम टाइम, विच आफ्टर सम टाइम डेवलप्स एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म, विच आफ्टर सम टाइम डेवलप्स एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो पहले एक आउटग्रोथ होती है, वो आउटग्रोथ बड कहलाती है, फिर वो बड एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, हमें दिखाई दे रहा है कहां पे? हाइड्रा में। लेकिन इकलौता हाइड्रा इसका एग्जाम्पल नहीं है, ये तो हमें एक एग्जाम्पल मिल गया एनिमल्स में। हाइड्रा जो है सिलेंट्रेट्स फाइलम को बिलोंग करता है, एनिमल। हमें प्लांट्स में भी इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है। प्लांट्स में यहां पर हमें लीफ जो है ब्रायोफिलम की लीफ है, और ब्रायोफिलम की लीफ में भी हमें बड का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो प्लांट में एग्जाम्पल हम देखेंगे किसका? हमारे कोर्स में जो दिया है हमारी बुक में, ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ बड फॉर्मेशन इन लीफ। बड फॉर्मेशन एट मार्जिन्स ऑफ लीफ। ठीक है, लीफ मार्जिन पर बड फॉर्मेशन पाया जा रहा है। तो हमें एनिमल में भी बडिंग देखने को मिलती है, हमें प्लांट में भी बडिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड आ जाता है, जिसे हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, भाई स्पोर क्या होता है? सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो अपनी बॉडी में ऐसी कुछ सेल्स बनाते हैं, जो सेल्स को वो बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं, उन सेल्स को स्पोर कहा जाता है। एंड दीज सेल्स ग्रो एंड डेवलप एज ए न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी खुद की ही बॉडी से ऐसी सेल्स बना रहे हैं, उन्हें किसी फर्टिलाइजेशन, किसी सिंगेमी की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी दूसरे गैमीट से फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ कैपेबल हैं एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। तो कैसे डिफाइन करेंगे? अ प्रोसेस इन विच, अ प्रोसेस इन विच सेवरल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बॉडी विच गेट स्प्रेड एंड डेवलप एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म, जो स्प्रेड होता है और नए ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में डेवलप हो जाता है, उसे बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। हम देख रहे हैं यहां पर एग्जाम्पल किसका? हमारे कोर्स में जो दिया हुआ है, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, फंजाई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल हमें मिलते हैं स्पोर फॉर्मेशन के, वो क्या है? फंजाई। एग्जाम्पल हमारे बुक में दिया हुआ है राइजोपस, जिसे हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं। ब्रेड मोल्ड क्योंकि जब ब्रेड कई दिनों पुराना हो जाए तो उसपे मोल्ड यानी फंगस डेवलप होते हैं,
और ब्रेड पे डेवलप होने वाले फंगस को ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। एग्जाम्पल है राइजोपस। हम देखेंगे यहाँ पर इस राइजोपस के स्ट्रक्चर को या फंगस के स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस स्ट्रक्चर में कई छोटे छोटे इंफॉर्मेशन छुपी हुई हैं जो हमें जाननी चाहिए टेंथ लेवल पे। तो जनरली क्या है, हमें किसी भी फंगस में, अगर हम ईस्ट को छोड़ दें, ईस्ट यूनिसेलुलर होते हैं, ईस्ट के अलावा जो भी हमें फंजाई मिलते हैं उनके स्ट्रक्चर में हमें फिलामेंट्स मिलते हैं। इन फिलामेंट्स को हम बच्चों कहते हैं हाइफे। इन फिलामेंट्स को क्या कहते हैं, हाइफे। और इन फिलामेंट्स का एक हमें पूरा नेटवर्क मिलता है जहां पर ये बहुत सारे फिलामेंट्स या बहुत सारे हाइफे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। उस फिलामेंट को कहा जाता, उस नेटवर्क को कहा जाता है माइसीलियम। तो इंडिविजुअल फिलामेंट हो गया हाइफे, इन्हीं हाइफे का नेटवर्क माइसीलियम। जहां माइसीलियम होता है वहीं से कुछ हाइफे एक्सटेंड होते हैं ऊपर की तरफ और एक स्पोर्स का बंच बनाते हैं जिन्हें कहा जाता है फ्रूटनिंग बॉडीज। और इन्हीं फ्रूटनिंग बॉडीज में फॉर्मेशन होता है किसका, स्पोर्स का। ठीक है, तो ये दो तीन इंफॉर्मेशन हमें याद रखना है। फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं हाइफे, उनका नेटवर्क जिसे कहते हैं माइसीलियम। माइसीलियम जहां होता है वहीं से कुछ फिलामेंट्स एक्सटेंड होते हैं ऊपर की तरफ और वहां पर एक बंच बनता है स्पोर्स का, पूरा एक बॉडी बनती है जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे फ्रूटनिंग बॉडीज बोलते हैं और इन्हीं फ्रूटनिंग बॉडीज में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। टेंथ लेवल पे इतना जान लिया मोर देन नेसेसरी है। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन। आगे बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन के बाद, तो बात आएगी किसकी, रीजनरेशन। अगला जो इंपॉर्टेंट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाता है रीजनरेशन, समझने की कोशिश करें। टेंथ में अभी मैं छोटे छोटे वीडियोस ही बनाऊंगा, हाफ एन आवर के ही मैं वीडियोस मैक्स टू मैक्स बनाऊंगा, बट ये रेगुलरली चलते रहेंगे। ठीक है, तो इनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। रीजनरेशन क्या हो गया, हमने फ्रेगमेंटेशन में पढ़ा था। नेचुरली अगर बॉडी डिवाइड होती है छोटे छोटे पीसेज में तो उसे कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन, और अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से बॉडी डिवाइड होती है तो उसे हम कहते हैं, वो कारण हो जाता है किसका, रीजनरेशन का। सो इफ एनी एक्सीडेंट टेक्स प्लेस, एनी ट्रॉमा टेक्स प्लेस एंड बॉडी लूजेस सम पार्ट एंड देन If body regain the lost part, then it is known as regeneration. If body regain the lost part of body, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई दुर्घटना घटी, बॉडी का कोई पार्ट लूज हो गया, लॉस्ट हो गया और बॉडी उसको दोबारा रीगेन कर रही है तो उसे कहा जाता है रीजनरेशन। ये बेसिकली तीन टाइप का होता है। ठीक है, अब रीजनरेशन को हमने रिप्रोडक्शन का मोड क्यों रखा है, व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान से सुनने वाली बात है। क्योंकि ये जो रीजनरेशन है ये तीन टाइप का होता है। सबसे पहला मॉर्फोलैक्सिस, दूसरा एपिमॉर्फिज्म और तीसरा हीलिंग। मॉर्फोलैक्सिस, एपिमॉर्फिज्म एंड हीलिंग। मॉर्फोलैक्सिस को समझते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के साथ कोई एक्सीडेंट हुआ और उसका कोई बॉडी पार्ट उसकी बॉडी से अलग हो गया, जैसे सपोज करो कोई एक पर्सन है, उसका एक्सीडेंट हुआ और उसका हाथ उसकी बॉडी से अलग हो गया। अब उस ऑर्गेनिज्म ने, उस पर्सन ने एक नया हैंड डेवलप कर लिया और हैंड ने नई बॉडी डेवलप कर ली, तो कितने ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, दो। और इसी की वजह से इसे रिप्रोडक्शन में रखा गया है।
इफ ऑल द बॉडी पार्ट रीगेन द लॉस्ट पार्ट देन इट इज नोन एज मॉर्फोलेक्सिस. इफ ऑल द बॉडी पार्ट रीगेन द लॉस्ट पार्ट. जैसे सपोज करो मैं हूं, मैं जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा हाथ अलग हो गया, मेरी बॉडी ने नया हार्ट डेवलप कर लिया और हाथ ने नई बॉडी डेवलप कर ली, तो कितने आशीष पालीवाल हो जाएंगे? दो. कैसे हुआ? रीजनरेशन से हुआ, मॉर्फोलेक्सिस से हुआ. ये हमें देखने को मिलता है भाई हाइड्रा में, जिसका एग्जाम्पल हमारी डायग्राम में बना हुआ है और हमें देखने को मिलता है यहाँ पर हमारी बुक में जो एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है प्लानेरिया. तो हाइड्रा में भी मिलता है, प्लानेरिया में भी मिलता है, यानी फ्लैट वॉर्म्स में मिलेगा. और इसी के यहाँ पे देखो प्लानेरिया के बॉडी के तीन पीसेस किए गए हैं, ठीक है, एक्सीडेंटली इसकी बॉडी के तीन पीसेस हो गए और हर एक पीस दूसरे पार्ट को डेवलप कर ले रहा है. सपोज करो ए बी और सी तीन पीसेस हो गए, ए वाले ने बी और सी को बना लिया, बी वाले ने ए और सी को बना लिया, सी वाले ने ए और बी को बना लिया. और इसी वजह से हम रीजेनरेशन को रखते हैं किसमें? एज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. दूसरा जो रीजेनरेशन है ये रिप्रोडक्शन नहीं है. इसमें क्या हो गया? ओनली द मेन बॉडी पार्ट रीगेन द लॉस्ट पार्ट. ओनली द मेन बॉडी पार्ट regain the lost part. केवल main body part lost part को regain कर रहा है, तो उसे कहते हैं epimorphism. ठीक है, क्या कहते हैं? epimorphism. जैसे example lizard tail. आप देखोगे कभी कभी लिजर्ड अपनी टेल को शेड ऑफ कर देती है किसी प्रेडेटर से बचने के लिए, तो जो प्रेडेटर है वो टेल के पीछे पड़ जाता है और लिजर्ड वहां से भाग जाती है. ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है अपने आप को प्रेडेटर से बचाने के लिए. तो लिजर्ड ने तो टेल डेवलप कर लेगी, वो नया टेल डेवलप कर लेगी, लेकिन टेल नया लिजर्ड डेवलप नहीं कर पाएगा. तो केवल जो मेन बॉडी पार्ट है वही लॉस्ट पार्ट को डेवलप कर पाता है. किसमें? एपिमॉर्फिज्म में. इट इज अ प्रोसेस ऑफ हीलिंग but it is a process of regeneration but not the mode of reproduction. So reproduction ka mode keval kaun sa hai bhai? Ek hi hai, morpholexis. Third aata hai healing. Healing kya ho gaya? The process of curing of wound. The process of curing of wound. To ye hamari body mein dekhne ko milta hai. ठीक है, क्या मिलता है? हमारी बॉडी में हीलिंग पाई जाती है. ठीक है, रीजनरेशन की बात करें हमारी बॉडी में, तो रीजनरेशन देखने को मिलता है किसमें? लिवर में. और मैक्सिमम रीजनरेशन हमारी बॉडी में लिवर में पाया जाता है, अप टू 70%. कभी किसी का लिवर डैमेज हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो 70% तक लिवर जो है वो रीगेन हो सकता है. बाकी कहीं अगर हमारी बॉडी पर कहीं कोई वुंड हो जाए, कट लग जाए, तो वहां पे स्कार बनेगा, वो रीजनरेशन नहीं है. स्कार का फॉर्मेशन हीलिंग है, वहां निशान हमें मिलेगा हमेशा के लिए. अगर रीजनरेशन होता तो वो हूबहू वैसा ही हो जाता जैसा पहले था. हमारी बॉडी में हीलिंग पाई जाती है. और मिनिमम और नो रीजनरेशन, यानी हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स, कुछ ऐसे टिश्यूज हैं, कुछ ऐसे बॉडी पार्ट हैं जिनमें रीजनरेशन देखने को नहीं मिलता है, वो है न्यूरल पार्ट, न्यूरल टिश्यू. ये एक बार डैमेज हो जाए तो दोबारा रिकवर नहीं कर सकते. इनकी रिकवरी लगभग इम्पॉसिबल है. न्यूरल टिश्यू लगभग इम्पॉसिबल इनकी रिकवरी पाई. ठीक है, तो ये हो गया किसके बारे में बच्चों? रीजेनरेशन के बारे में. तो हमने बाइनरी फिजन देख लिया, मल्टीपल फिजन देख लिया, फ्रेगमेंटेशन देख लिया, बडिंग देख लिया, स्पोर फॉर्मेशन देख लिया, रीजेनरेशन देख लिया, और अब एक टॉपिक बच गया है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन.
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव से बच्चों मतलब है मेरा स्ट्रक्चरल पार्ट, यानी एक ऐसा पार्ट जो नॉर्मली रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेता, रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करता, नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, एक ऐसा पार्ट जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट, या उसे हम कहते हैं सोमैटिक पार्ट। जो बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहा है और अपना नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसे हम कहते हैं सोमैटिक पार्ट या स्ट्रक्चरल पार्ट। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल पार्ट रिप्रोडक्शन में पार्ट लेने लगे, उसे कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो लिखेंगे द रिप्रोडक्शन, द रिप्रोडक्शन परफॉर्म्ड बाय सोमैटिक पार्ट ऑफ बॉडी is termed as reproduction। उसे क्या कहा जाएगा, कौन सा reproduction? Vegetative propagation। तुम लोग भी कुछ भी बोलने लगते हो, is known as vegetative propagation। ठीक है, कुछ भी मत बोलो, मतलब ऐसा नहीं है हर समय कुछ भी नहीं बोल सकते अपन, ठीक है, तो उसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहा जाता है। अब ये कई टाइप का देखने को मिलता है, इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप। सबसे पहला आता है कटिंग, जिसको हम कहते हैं कलम लगाना। हम स्टेम या ब्रांच का कोई पीस लेते हैं और उस स्टेम या ब्रांच के किसी पीस को हम सॉइल में एंगुलर इम्प्लांट कर देते हैं और कुछ समय बाद उस स्टेम या ब्रांच के पीस में शूट भी डेवलप हो जाता है और रूट भी डेवलप हो जाता है और ये पीस जो है एक नए प्लांट के फॉर्म में डेवलप हो जाता है, तो उसे बोलते हैं कटिंग। तो लिखेंगे कि अ पीस ऑफ स्टेम और ब्रांच इज इम्प्लांटेड, अ पीस ऑफ स्टेम और ब्रांच इज इम्प्लांटेड इन सॉइल विच After some time develops shoot as well as root and grow as a new plant। और एक नए प्लांट की तरह ग्रो करता है, तो उसे कहा जाता है बच्चों कटिंग। किसमें कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें हम कटिंग परफॉर्म करते हैं? ऐसे प्लांट्स में कटिंग परफॉर्म करते हैं जिसमें सीड फॉर्मेशन नहीं पाया जाता, जनरली सीड फॉर्मेशन नहीं पाया जाता, या जिनमें हमें उनके फिनोटिपिक कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में प्रिजर्व चाहिए हो। ध्यान से सुनो, अभी डिस्कस करेंगे। सो इन सीडलेस प्लांट्स, जैसे एग्जाम्पल रोज हो गया, शुगर केन हो गया, पोटैटो हो गया, या ऐसे प्लांट्स जिनमें हमें उनके फिनोटिपिक कैरेक्टर, उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को प्रिजर्व करना हो, फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जैसे एग्जांपल मैंगो। ध्यान से सुनना भाई, समझो,
मैंगो में हम क्या करते हैं बच्चों, मैंगो की सीड नहीं लगाते, जो गुठली होती है ना उसको कभी प्लांट नहीं करते। कोई मैंगो का ट्री है, हम उसी की ब्रांच लाते हैं, उसको लगाते हैं। कभी भी ऐसा हो तो आप ध्यान रखना, मैंगो में हमेशा उसकी ब्रांच की कटिंग लाते हैं और उसे इम्प्लांट किया जाता है, उसे लगाया जाता है। तब वो जब ट्री बनेगा तो उसमें उसी तरह के मैंगोज लगेंगे जिस पेरेंट ट्री से उसे लाया गया। अगर हम सीड लाएंगे, सीड लगाएंगे, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि अगली जनरेशन में उनमें कुछ जेनेटिक चेंजेस आएं और हमें उस तरह की प्रोडक्टिविटी ना मिले जैसे उस पेरेंट ट्री से मिल रही है। तो इसलिए मैंगोज में भी हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, उनमें भी हम छोटे स्टेम या ब्रांच की स्टिक लाते हैं और स्टिक को इम्प्लांट करते हैं ताकि जो हमें प्लांट मिले उसमें भी उसी तरह के मैंगोज लगें जैसे हम ट्री से ला रहे हैं। तो ये हो गया कटिंग। सेकंड जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जाम्पल आता है जिसे हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग को समझने की कोशिश करो, हमारे पास दो प्लांट हैं, एक ए स्पीशीज का और एक बी स्पीशीज का। हमने क्या किया, दोनों का स्टेम कट किया और एक की स्टेम को दूसरे की स्टेम के ऊपर अटैच करके टाइटली बाउंड कर दिया। इसे टाइटली बांधना बहुत जरूरी है जिससे इसमें मूवमेंट ना हो। तो ऊपर हो गया ए स्पीशीज, नीचे हो गया बी स्पीशीज। इस प्रोसेस, अगर ऐसा कोई प्रोसेस हम परफॉर्म करेंगे तो उसे कहा जाएगा ग्राफ्टिंग। अ स्टेम और बर्ड और पीस of any plant is grafted over another plant, तो उसे क्या कहेंगे, ग्राफ्टिंग। ऐसा क्यों परफॉर्म करते हैं और किस में परफॉर्म किया जाता है? ऐसा हम तब परफॉर्म करते हैं जब हमें कम लैंड एरिया में एक से ज्यादा प्रोडक्ट की जरूरत हो, ठीक है। जैसे हमने टोमेटो पे ग्रीन चिली का प्लांट ग्राफ्ट कर दिया, टोमेटो पे ग्रीन चिली, अब एक प्लांट डेवलप हो रहा है, नीचे टोमेटो मिल रहा है, ऊपर ग्रीन चिली मिल रही है। टू रिड्यूस द लैंड रिक्वायरमेंट, टू रिड्यूस द लैंड रिक्वायरमेंट, या हम ग्राफ्टिंग ऐसे प्लांट्स में भी डेवलप कर सकते हैं, ऐसे प्लांट्स में डेवलप मतलब प्रैक्टिस करते हैं जिनमें रूट इनिशिएशन स्लो होता है। जैसे ए प्लांट है मान लीजिए, उसमें रूट इनिशिएशन स्लो होता है, उसको हमने बी पे ग्राफ्ट कर दिया तो उसे रूट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो जो उसकी डेवलपमेंट में डिले हो रहा था रूट इनिशिएशन की वजह से, वो डिले अब नहीं होगा। Practiced in those plants where root initiation is slow, ठीक है। थर्ड आ जाता है लेयरिंग। थर्ड आ जाता है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या हुआ, मान लीजिए हमारे पास एक प्लांट है जो बढ़िया डेवलप प्लांट है, इसकी एक ब्रांच लिया और इस ब्रांच को थोड़ा सा बेंट करके हमने इसे सॉइल में दोबारा से लेयर कर दिया, ठीक है। सॉइल में हमने दोबारा से इसको लेयर कर दिया। तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम दिस पार्ट विल डेवलप रूट एंड इट्स डेवलपमेंट फर्दर इंक्रीजेस, इसका डेवलपमेंट बढ़ जाएगा और यहां से फिर अगर हम कट कर दें तो ये जो लेयर्ड पार्ट है ये नए प्लांट के फॉर्म में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। नए प्लांट के फॉर्म में डेवलप हो जाएगा। लेयरिंग हम किसमें परफॉर्म करते हैं भाई, ऐसे प्लांट्स में परफॉर्म करते हैं जिनमें स्टेम इनिशिएशन स्लो होता है, ठीक है। स्टेम इनिशिएशन स्लो होता है, जनरली क्या होते हैं,
जनरली जो ऑर्किड्स होते हैं, ठीक है, ऑर्किड्स में हम परफॉर्म करते हैं लेयरिंग, क्योंकि उन्हीं की स्टेम को हम इजीली बेंड कर पाते हैं। तो ऐसे प्लांट जिनमें स्टेम इनिशिएशन स्लो होता है उनमें हम लेयरिंग को परफॉर्म करते हैं। और ये तीन बेसिक मोड्स हो जाते हैं किसके बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। ठीक है, तो यहां खत्म होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और आज की क्लास को भी हम यहीं पर एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में हम प्लांट्स में होने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड